अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इस बात का गवाह रहेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तू ये ना कर, तू कोशिश ना कर, पाकिस्तान से बाहर जाने के और भी बेशुमार रास्ते हैं और लोग जाते हैं। मुझे लोगों ने बड़ी उल्टी पट्टियां पढ़ाई, बहुत सारी बातें मेरे साथ की, लेकिन मुझे हज के लिए जाना है, मुझे इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं कि मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूं, लेकिन मैं जिंदा भी रहना चाहता हूं और आजाद भी रहना चाहता हूं। बार बार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, बार बार मुझे कभी गायब कर देते हैं, कभी मुकदमा दर्ज कर देते हैं, दर्जनों मुकदमा मेरे ऊपर बार बार दर्ज किए गए। मैंने पिछले 1.5-2 महीने बड़ी तकलीफ में गुजारे हैं। मैं 2022 में हज पे जाना चाहता था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये एहराम मैंने 2022 में पहनना था, फिर 2023 में मैंने ये एहराम पहनना था तो मुझे अगवा कर लिया गया। और मैं जहां पे था उन लोगों को मैंने कहा, मैंने टकरे मार मार के कहा कि मैंने हज पे जाना है। उन्होंने कहा जी इस साल आप नहीं जा सकते, आप अगले साल चले जाइएगा। तो मैंने इस साल की नीयत की। अब इस साल मैंने हज पे जाना था, 2 महीने मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तीसरे दफ्तर में, तमाम निजाम के मैंने दरवाजे खटखटाए और हर एक को मैंने बताया कि मैं हज पे जाना चाहता हूं, मेरी और कोई नीयत नहीं है। और उसके बाद फिर मैं हाईकोर्ट गया, फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप सब जानते हैं। और फाइनली मुझे हज पे जाने की ये आखिरी एक फ्लाइट है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन है कि वहां एयरपोर्ट पे बहुत सारी तादाद में रेंजर्स और पुलिस खड़ी है और वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, हर गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं। मुझे सब लोग यही कह रहे हैं कि तू वहां ना जा, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया और मेरा अल्लाह इस बात का गवाह रहेगा कि मैंने तेरे घर पे आने के लिए पूरी कोशिश की। मेरे अल्लाह, मैंने पूरा जोर लगाया, मैंने अपने आप को गिरफ्तारी के खतरे में भी डाला। अब पता नहीं वहां मुझे गिरफ्तार करते हैं, गायब करते हैं, क्या करते हैं मेरे साथ, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं और सिर्फ हज की नीयत से जा रहा हूं। मैं हज करके वापस आऊंगा क्योंकि मैंने अदालत को यह बोला है कि अगले महीने की 8 तारीख को जो अदालत में पेशी होगी उसमें मैं आके पेश होऊंगा। मैंने आज तक किसी अदालत की कोई एक पेशी भी मिस नहीं की, कानून की आज तक एक भी खिलाफ वर्जी नहीं की। जिस डिपार्टमेंट ने, जिस दफ्तर ने जब मुझे बुलाया मैं वहां पे गया, मैंने कभी भी किसी चीज की खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक सब कुछ किया और अब भी कानून और आईन के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करते हुए हज पे जाना चाहता हूं। मैंने 5 दफा टिकट लिए हैं, ये 5वीं मरतबा मैं टिकट ले रहा हूं, ये तो रिफंड भी नहीं होता हज का टिकट। और मैंने अपनी फैमिली को भी बाहर से बुलाया हज पे जाने के लिए और वो एयरपोर्ट पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं जी हज के लिए। आप सबसे दरखास्त है कि अगर ये वीडियो आप तब देखेंगे जब मुझे नहीं जाने देंगे या मुझे पकड़ लेंगे या मुझे रोक देंगे, तो आप खुद फैसला कर लें कि इस मुल्क में क्या निजाम चल रहा है। और मुझे रोकने वाले एक बात याद रखें, मुझे पता है मुझे कौन रोक रहा है, वो सिर्फ एक बात याद रखें और कुरान पाक में जाकर पढ़ें कि जो लोग बैतुल्लाह से रोकते हैं उनके लिए मेरे रब का क्या हुक्म है। ये जिंदगी तो गुजर जानी है, थोड़ी सी और बाकी है, मेरे पास कितनी है शायद मैं भी गुजार चुका हूं, पता नहीं कितनी बाकी है, कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए। इस साल इसलिए कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं अगला साल नसीब भी होता है या नहीं होता जिंदगी में, लेकिन एक बात बता देता हूं, हमेशा जिंदा किसी ने नहीं रहना, ये सारी चीजों का हमें हिसाब देना पड़ेगा जाके। तो मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के मैंने जो वादा किया था मैं पूरा कर रहा हूं और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह गवाह रहेगा कि या अल्लाह मैं हज के लिए जा रहा हूं, तेरी इबादत के लिए जा रहा हूं, मेरी मदद कर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।